Hey guys, welcome to the Ultimate Channel. मेरा नाम है आदित्य और हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम बात करेंगे अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं YouTube वीडियोस के बनाने के साथ साथ पेंटिंग्स भी बनाता हूँ। तो अगर आप अपने लिए कोई पर्सनलाइज पेंटिंग या फिर अपने कोई डॉग की पेंटिंग बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे पर्सनली ऑर्डर कर सकते हैं और वो पेंटिंग आपके घर तक डिलीवर होगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप अगर पेंटिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे DM या फिर मैसेज कर सकते हैं। सो अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एम्स्टैफ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आते हैं, ये मीडियम साइज के डॉग्स होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत लग सकता है कि ये अमेरिकन बुली जैसे हैं, लेकिन ये अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर है जो कि एक अलग डॉग ब्रीड है और ये पिटबुल डॉग की कैटेगरी में आती है, जिसमें अमेरिकन बुली, पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर, बुल टेरियर जैसे डॉग्स आते हैं। और अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर को लेके लोगों को एक और कन्फ्यूजन ये होती है कि एम्स्टैफ से मिलता जुलता एक और डॉग ब्रीड है जिसे स्टैफर्डशायर बुल टेरियर के नाम से जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, और अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर जो है वो अमेरिका से आते हैं। ये दोनों डॉग्स दिखने में लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्हें अलग बनाती है। सो जो अमेरिकन स्टैफर्डशायर यानी कि एम्स्टैफ की डॉग ब्रीड है, वो पहले स्टैफर्डशायर बुल टेरियर जो है इंग्लैंड से, उनको यहाँ पे लाया गया था अमेरिका में। फिर उसके बाद अमेरिका में ला के उनमें कुछ डेवलपमेंट की गई, कुछ चेंजेस किए गए, जिसके बाद वो अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर बना। एम्स्टैफ जो होते हैं वो पिटबुल टेरियर और स्टैफर्डशायर बुल टेरियर के मुकाबले वेट में थोड़े भारी होते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर जो थे उनकी पॉपुलैरिटी एकदम नीचे गिर गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे 2013 तक आते आते अमेरिकन केनल क्लब ने एम्स्टैफ ने 81st मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की रैंकिंग हासिल की। और फिर अभी तक अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इन डॉग्स के टेम्परामेंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है इनको देख के कि ये काफ़ी एग्रेसिव डॉग होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड डॉग होते हैं। इन्हें अपनी फैमिलीज के साथ रहना काफ़ी पसंद होता है और फ्रेंडली भी होते हैं ये दूसरे स्ट्रेंजर्स के साथ, लेकिन अपने ओनर के लिए और अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं। आपको बता दूँ, अगर आप ये डॉग ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखने पड़ेगा कि ये डॉग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। इनके हाइट की बात करें तो इनकी हाइट अराउंड 16 से लेके 19 इंचेस तक हो सकती है मेल और फीमेल में, और अगर आप इनको छोटे घरों में रखना चाहते हैं तो उनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मीडियम घर जैसे कि 2 BHK और बड़े घर जो होते हैं तो उनमें आप इन डॉग्स को रख सकते हैं इजीली, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके घर में टेरेस या फिर कोई बैकयार्ड है तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर की प्राइस यानी कि एम्स्टैफ की जो प्राइस होती है वो अराउंड 22,000 से स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद आगे और प्राइस भी बढ़ती रहती है, 40,000 के आसपास भी हो सकती है, और वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी ब्लड लाइन का डॉग है वो। मैं एम्स्टैफ के साथ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँ तो मैंने जहाँ तक देखा है ये डॉग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और जो छोटे छोटे पपीज़ होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं, लेकिन जो बड़े डॉग्स होते हैं वो उछलते कूदते रहते हैं काफ़ी और फ्रेंडली भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ये डॉग पिटबुल जैसे दिखते हैं और इस वजह से हो सकता है कि शायद ये ख़तरनाक भी हो, अग्रेसिव हो, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सबकी गलत फहमी है। अमेरिकन स्टैफर्डशायर मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। और इन डॉग्स के हेल्थ की बात करें तो ये डॉग्स जनरली हेल्दी होते हैं और इनकी लाइफ स्पैन अराउंड 10 से लेके 13 ईयर्स के आसपास तक हो सकती है, और बाकी आप इस डॉग की कितनी केयर करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इनका लाइफ स्पैन। तो गाइज, यही था हमारा आज का एपिसोड अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर यानी कि एम्स्टैफ के बारे में। और ऐसे पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।